प्रधानमंत्री तक बोलने लगे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इन लोगों का मोटो है? अब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में नीतीश जी की बात कर रहे हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले अपने गिरेबा में झांके। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो मीडिया में या कुछ लोगों की बातें आ रही थी, जो महिलाओं को शिक्षित किया गया मैट्रिक इंटर या ग्रेजुएशन करके, जो उनका शादी होता है उसके बाद जो प्रजनन दर के विषय में मुख्यमंत्री जी कुछ बातें कह रही थी, लोगों को कुछ आपत्ति हुई, कुछ भावना पर लोगों का तरह तरह का बयान आया। आज खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेद प्रकट कर चुके हैं आप लोगों के मीडिया साथी के सामने, विधानसभा में, विधान परिषद में। तब इस तरह का इन लोगों का जो एक षड्यंत्र चल रहा है कि कल जो जाति आधारित गणना पेश हुआ, उसके बाद जो आरक्षण का दलित आदिवासी पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का जो दायरा 50 से 65 किया गया, इससे उन लोगों के पेट में दर्द हो गया कि जो इन तबके के लिए जो हाशिए पर थे और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस उन लोगों को पेट में दर्द हो गया। अब कैसे इस बात को दबाया जाए, इसलिए उनका दिल्ली से लेकर पटना तक सब लोग एक्टिव हो गए हैं। कल इतना नहीं थे लेकिन आज ज्यादा कुछ हो गए हैं। उनको दिल्ली से खबर आया कि आपको इस मुद्दे को हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट कर रहे हैं। कल तक वही बीजेपी के लोग आपके साथ थे, पुराने सहयोगी थे, इनको सुशासन बाबू और क्या क्या, आज वो लोग इतनी भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं कि हम आपसे कुछ भी नहीं सकते, कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे क्या मोटो है उन लोगों का? देखिए, वो लोग घबराए हुए हैं। जिस तरह से विपक्षी एकता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सभी गोलबंद हो रहे हैं, इनका कर्नाटक में क्या हाल हुआ, अभी देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, ये सब में बुरी तरह से हारने वाली है। जो आगे 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उस घबराहट का ये इस तरह का बयान है। इसलिए ये लोग जो पहले बोल रहे हैं, तो इससे पहले वो महिलाओं के लिए जो उन लोगों का रवैया रहा है, चाहे महिला पहलवान का हो, मणिपुर की घटना हो, विजय वर्गीय उनके नेता का बयान या जो उनका व्यवहार हो, या गुजरात लोक विधानसभा में जो उनके नेता के द्वारा जो मोबाइल में देखी जाने वाली बातें हो, दर्जनों से अधिक ऐसी घटनाएं हैं जो महिलाओं को अपमानित करने वाली घटना या व्यवहार या बयान रहा है। ये बात उन लोगों को, प्रधानमंत्री जी को और उनके नेता को नहीं दिखती है। सिर्फ ये कल की जो बात है, जो जाति आधारित गणना हुई, जो अति पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जाति है, दलित है, आदिवासी है, उनको जो आगे बढ़ाने की बात है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो इस बात को कैसे दबाया जाए ताकि इस बात को लोगों में मैसेज नहीं जाए, ये गलत मैसेज जाए, यही उन लोगों का एकमात्र एजेंडा है और कुछ नहीं। अंतिम सवाल मैम, क्या आपको लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी जिस तरीके से हल्ला कर रही है या उनके खिलाफ बयान दे रहे, तो लगता है कि नीतीश जी के पीएम का जो इमेज था या जो कैंडिडेट बनते आने वाले दिन में, कहीं ना कहीं वो दिक्कत होगी अब इनके लिए? नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार की जनता और देश की जनता सबको देख रही है कौन क्या कर रहे हैं। ये लोग 9 वर्षों में 10 वर्षों में क्या किए, सिर्फ भाषण, नारा, वादा के अलावा कुछ नहीं किए हैं। कहाँ गया रोजगार? 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, किसानों की 2 गुनी आमदनी करनी थी, महिला सुरक्षा की बात थी। इनके प्रधानमंत्री जी तो कहते थे भाषण में, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो ये क्या बात हुआ? ये महिलाओं का अपमानित करने वाली बात नहीं? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कुछ नहीं है, ये लोग घबराए हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। उम्मीदवारी कौन उम्मीदवार बन रहा है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है कि 2024 का चुनाव जो है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को फिर गद्दी पर नहीं आए, फिर सत्ता में नहीं आए। विपक्षी इंडिया गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य यही है। ये मुद्दा नहीं है, इशू नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे, कौन इंडिया गठबंधन के संयोजक होंगे। मुद्दा है इसको कैसे हटाया जाए।